भाई साहब मूवी देख ली है मैदान, और इसमें पर्सनल फीलिंग जुड़ती है क्योंकि इसमें फुटबॉल की बात हुई है। लेकिन मूवी की बात करने से पहले थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। बात उस दौर की दिखाई गई है जहां पर गोल्डन पीरियड हो सकता था फुटबॉल के लिए, जहां पर बहुत जद्दोजहद हुई थी, बहुत कोशिशें करी गई थी कि फुटबॉल, इंडियन फुटबॉल को कैसे भी उठाया जाए। बहुत से महारथियों ने कोशिश करी थी, जिसमें से एक थे सईद अब्दुल रहीम, जिन्होंने पूरी कोशिश करी थी। एज कोच वो इंडियन फुटबॉल टीम के रूप में उभर कर आए थे, और उन्हीं के लाइफ के बारे में दिखाया गया है। एक टाइप से बायोपिक भी है, और एक टाइप से वो इंडियन फुटबॉल का स्ट्रगल भी दिखाया गया है कि कितनी कोशिशें करी गई थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ तरीके से उसे नाकामियत ही हासिल हो रही थी। कई बार अपनी पर्सनल थिंग्स की वजह से, कई बार डिप्लोमेट्स की तरीके से, क्योंकि भाई इंडिया में चलता है, और हमने ट्रेलर में भी देखा है, और मैं खुद फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूं, तो मैंने ये चीज़ें बहुत देखी हैं कि भाई बहुत सी अड़चनें आती हैं, और ऐसी अड़चनें जिनका कोई मोल नहीं है, जिनको होना भी नहीं चाहिए था। एक जो प्योर विलिंगनेस से काम करी जाती है, उस पर काम करने नहीं दिया जाता है। खैर, इन्हीं सारी चीजों पर बात हुई है मूवी में, तो अभी रिव्यू करेंगे ऑनेस्टली विदाउट एनी स्पॉइलर। और अगर आप भी मन बना रहे हो इस मूवी को देखने के लिए, तो 2 मिनट दे दीजिए, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि मूवी देखनी है तो क्यों देखनी है, नहीं देखनी है तो क्यों नहीं देखनी है, क्योंकि ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये कैरी आउट करता है। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई साहब, सईद अब्दुल रहीम, अगर बात करें कास्ट की, अगर कास्ट से शुरुआत करें तो अजय देवगन की ये फाइनेस्ट ऑफ द फाइन परफॉर्मेंस होगी, बेस्ट परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ, जिन्होंने फुल वो स्ट्रेंथ अपनी इस्तेमाल करी है। चाहे आप इमोशनल एंगल में डालने की कोशिश करो, चाहे एज कोच एक डेडिकेटेड कोच के एंगल में डालने की कोशिश करो, तो अजय देवगन ने भाई फाड़ के रख दिया है, मैदान को फाड़ के रख दिया है। दूसरी बात, स्ट्रगल ऑफ फुटबॉल जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। सिनेमाटोग्राफी एंड स्क्रीन प्ले की बात करें तो कई बार स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मसाला एंड फिक्शन के बेस पर दिखा देते हैं, लेकिन रियलिज्म पर जो काम किया गया है, इस पर बेस्ट स्किल्स पर जो काम किया गया, क्योंकि फुटबॉल गेम है स्किल्स का, फुटबॉल गेम है टीम का, और एक हर एक एंगल से आपने वो चीज़ें शो नहीं करी तो फिर उसमें कनेक्ट करने का मतलब ही क्या हुआ। मूवी एक टाइम पर आपको इतना कनेक्ट कर देगी कि आप उसके साथ कभी हाई होगे, कभी डाउन होगे, कभी हाई होगे, कभी डाउन होगे, क्योंकि बहुत इमोशनल एंगल्स भी हैं इसमें। टीम को कैसे असेंबल करने में कितनी दिक्कतें आई, कितनी अड़चनें आती हैं, और जब वो एक्सटर्नल एफर्ट, जो निगेटिव आते हैं, जो बार बार कोशिश करते हैं रोकने के लिए, तो उसमें आपका खुद इनर फीलिंग्स जुड़ेगी और खुद एक अग्रेशन आएगा कि भाई काहे को इतना प्रॉब्लम करते हो, एक बंदा काम कर रहा है तो उसे करने दीजिए, क्यों ऐसे बार बार अड़चने लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट फील करोगे। देन उसके बाद अगर कैमरा एंगल की बात करें तो क्लोज शॉट्स बहुत अच्छे हैं इसमें। भाई फुटबॉल में है ये चीज़ कि अगर आप किक मार रहे हो तो वहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा, देन हम हेडर शॉट का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर भी शोल्डर पोज, देन उसके बाद भाई साहब आप एक एग्रेशन के साथ, क्योंकि प्लेयर्स में भाई 2-3 चीज़ें लगातार चलती हैं, स्ट्रेंथ, एनर्जी एंड इमोशन। स्ट्रेंथ आपको लगातार बना के रखनी पड़ती है, एनर्जी भी लगातार बना के रखनी पड़ती है, एंड इमोशन भी आपको लगातार बना के रखना पड़ता है, कभी हाई कभी लो, क्योंकि भाई आपको टीम को भी साथ में लेके चलना है, और उसी टीम के साथ में एक हाईली पूरी ताकत के साथ अगली टीम पर भी वार करना है और गेम को जीतना भी है। तो ये सारी चीज़ें भाई मुझे हिट करके गई हैं, वो छोटी सी छोटी चीज़ें, क्योंकि इसमें फाउल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और उन फाउल्स की उन छोटी सी छोटी डिटेलिंग पर भी बहुत अच्छा काम किया गया है। दैट्स वाई कि ये मुझे बहुत हिट करके गई, बहुत कनेक्ट करके गई, और सभी को भी कनेक्ट करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से स्क्रीन पर दिखाया गया है, ये नहीं कि आपके पास सिर्फ उसकी नॉलेज है तभी आप उसके कनेक्ट कर पाओगे, नहीं भी है तब भी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स एंगल का वो इमोशन जो काम करके जाएगा कनेक्ट करने का, कि भाई इस चीज़ को बढ़ावा मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया, इन इन वजह से वो चीज़ आप कनेक्ट करोगे। बाकी मूवी में बहुत कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, हाँ ये है कि भाई जो लास्ट के जो 20 मिनट का असल मैदान में जो गेम चलेगा, उस पर आप फुल पिन ड्रॉप साइलेंट होके जुड़ के देखोगे उस चीज़ को। और उसका बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको देखने को भी मिलेंगी कि आपका गला भी भरेगा वहाँ पर, और गुस्सा भी आएगा। दूसरा, बात अगर कास्ट एंड कैरेक्टर की करें तो भाई साहब अजय देवगन ने तो कमाल धमाल करा ही करा है, साथ में एज वाइफ जो प्रिया मनी ने काम करा है, क्योंकि भाई हाउस वाइफ का उनका मोटिव क्या होता है, अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, अपनी फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, जो अजय देवगन को एक बार के लिए अड़चन भी लगती है, तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह बहुत दमदार थी। भाई गजराज राव ने एज दीमक जो काम किया है, एक ऐसा क्रिंज पर्सन जो होते हैं सोसाइटी में, जिनके पास आते ही आपको एक निगेटिविटी, क्रिंजनेस की फील होती, मतलब वो सहा नहीं जाता है, निगेटिव वाली फीलिंग आ गई तो गजराज राव का काम पूरा हो गया, क्योंकि उसी के लिए तो इन्हें रखा गया है। तो कैरेक्टर में, उस एक्टिंग में दमदार काम किया है। बाकी जो प्लेयर्स के रूप में जो काम किया है, अदर सपोर्टिंग कास्ट ने दमदार, भाई मतलब
एक खिलाड़ी के साथ साथ एक अच्छी एक्टिंग भी ऐसे डिलीवर करी जा सकती है, फुटबॉल में टफ हो जाता है। तो ये चीज़ सारी कुछ दमदार देखने को मिली है। मूवी ऑसम है, दमदार है भाई, जाओ देखो, क्योंकि फुटबॉल के, इंडियन फुटबॉल के उस एरा की बात करी गई है जहां पर अगर बहुत ज़्यादा बूस्टर इसे मिल जाता तो आज इंडियन फुटबॉल की जो हकीकत है या फिर कुछ और होती। इंडियन फुटबॉल का नाम जहां पर वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंट्रीज का नाम आता है वहां पर इंडियन फुटबॉल का जरूर नाम आता। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, लाइक कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी और भी ऐसे ही जुड़े रहना है, नई वीडियो भाई इस तरफ आप देख रहे होंगे, इस तरफ या इस तरफ कहीं भी आ रही होगी, क्लिक करके देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।